जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं जो लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो आइए हम इन प्रश्नों को एक बार आपस में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आया है कि वैदिक सभ्यता यानी कि पूर्व में जो वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति है उसको हम कितने से कितने समय को लेकर चलते हैं, तो 1500 से लेकर ये 1000 ईसा पूर्व। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर भी डायरेक्ट याद हो जाएंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता जिसमें हमारे 3 वेद हैं उस वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच को कहते हैं, और ये 800 से लेकर 600 इसी के बीच में आ गया उसको हम ब्राह्मण युग कहते हैं। ठीक है, इसमें आर्य भी आए थे और इसी उत्तर वैदिक काल में ही हमारे जो हैं 3 वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद इसी में आते हैं। ऋग वैदिक काल इनके ऋग वेद इसमें आ जाता है। दूसरा आता है वेदों के रचिता किसने हैं, कौन हैं, तो वेदों के हैं कृष्ण देव प्यायन वेद व्यास, पूरा नाम है वेद व्यास, आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। भारत में प्राचीन सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे पुराने जो है वो हमारे वेद हैं, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जैसे मैंने आपको बताया तो वेदों की संख्या है हमारी टोटल 4। कितनी संख्या है बच्चों, 4 संख्या है, जैसे मैंने अभी नाम लिए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, तो ये हमारे 4 वेद हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है क्योंकि सबसे पहले ये वेद आया था। ठीक है, ऋग्वेद को कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की है। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का कहां से लिया गया है, तो ये भी कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। और वैसे ही आपका मैंने बोलूं सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, वो भी ऋग्वेद से। इसी प्रकार से अस्तो मा सद्गमय, हम करते थे ना स्कूलों में प्रार्थना, तो प्रार्थना के वक्त आता था अस्तो मा सद्गमय, ठीक है, तो वो भी हमारा कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। किस देवता या किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें मिलती है, तो वो भी सबसे पुराना ही वेद ही है, तो इसी से हमें इसकी वैदिक यानी कि संस्कृति की जो है वो हमें सूचना या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है, कमीशन में आता है बहुत बार, टैट वालों को बहुत ज्यादा आता है ये पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है, तो वो इंद्र देवता से जुड़ा है, उनको इंद्र देवता का अन्य नाम जो है वो पुरंदर भी कहा जाता है। जल या समुन्द्र का देवता किसे कहते हैं, वरुण देवता को कहते हैं। ऋतुओं का देवता किसे कहते हैं, तो वो भी वरुण देवता को ही कहते हैं। हिंदू पुराण कथाओं में हिंदुओं के अनुसार पुष्प विमान में जी भगवान जी आएंगे, तो क्या अर्थ हुआ, कोई फूलों का पूरा वो नहीं आएगा, उसका अर्थ यह है कि सूर्य की धूमल यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उनके ऊपर बैठकर जो हैं वो हमारे भगवान आते हैं, तो हम ये हिंदू पुराण में के अनुसार जो है पुष्प विमान का अर्थ है ये। हिंदू कथाओं के अनुसार कार्तिकेय का वाहन क्या है, यानी कि शिव जी भगवान के जो है हमारे शिव भगवान के जो हमारे पुत्र हैं बड़े, तो उनके पुत्र का जो वाहन था वो था मयूर मोर, जैसे कि गणेश का कौन था मूषक चूहा मतलब। ठीक है, ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र जो नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को जो है पवित्र नदी का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है फिर से यज्ञ संबंधी विधानों का पता हमें किस वेद से चला, यजुर्वेद से। नेक्स्ट आया भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को। सभा या समिति का प्रजापति दो पुत्रियों को पुत्रियां थी उसका उल्लेख किस में है, तो वो है अथर्ववेद में। ठीक है, किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेखित है, फिर से सेम सवाल है। ठीक है, दो पुत्रियों का उल्लेख था, पाप और रोग निवारण, पापों से रोगों से निवारण चिकित्सा से जुड़ा हुआ है अथर्ववेद। आप वीडियो जरूर देखिएगा, पहला पार्ट इसका
आपको पूरा इसका क्लियर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में कितने देवांगों का समावेश है, तो 6 देवांगों का समावेश है। वैदिक काल में की प्रसिद्ध नारी कौन सी थी, तो घोसला। नेक्स्ट आ जाता है भारत के मूल निवासी, ठीक है, वैदिक काल के किस नाम से बुलाते थे, उनको दस्यु बोलते थे। क्या बोलते थे, दस्यु के नाम से जाना जाता था। संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 है। पुराणों की संख्या 18 है, जैसे हमारे उपनिषद 108 है, वैसे ये देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ऐसे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, जो कि विष्णु के 10वें अवतारों की जानकारी देती है, यानी कि 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण में हमें मिलती है। ऐसे ही है उपनिषेद में पुस्तक किसके ऊपर है, दर्शन पर आधारित है। सत्यमेव जयते मुंडूको उपनिषेद जैसे हमने पढ़ा है, तो इसी प्रकार से ये हमारे सवाल है और नोट्स आप ले सकते हैं आप हमसे। नेक्स्ट आता है बुद्ध की अष्टांगी मार्ग का स्रोत क्या है, तो तैत्रियोंग उपनिषेद से उठाया गया है। किस उपनिषेद को बुद्ध से सबसे प्राचीन माना जाता है, तो कोष्ठ उपनिषेद को जो है पुराना माना जाता है। ऐसे पूर्ण जन्म से जो है अवधारणा सबसे पहले क्या है, बृहदधारण उपनिषेदों को बोला जाता है। उपनिषेदों के नाम थोड़े से टफ होते हैं बच्चों, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि भागवत गीता जैसे हम करते हैं तो कृष्ण भगवान से जुड़ी है। वासुदेव का अर्थ तो वो आपको पता है, सावंतों से जुड़ा हुआ है। कृष्ण भगवान की भक्ति के प्रथम और प्रधान कौन थे, तो श्री भगवत गीता है। इसी प्रकार से आपका आ जाता है नेक्स्ट कि के अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं है, मतलब फल करे जाओ और फल की इच्छा मत करो, तो ये किस में लिखा गया है, तो श्री भगवत गीता में लिखा गया। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आप, मैं ये कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। अगर नोट नहीं करना है तो आप जो है इसके नोट्स ले सकते हैं आप हमसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो नोट्स आप, इसके नोट्स हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, या हमें दिए हुए नंबर्स पे आप जुड़ सकते हैं, या इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। और आपको ये कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जरूर हमें बताइएगा फोन करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप पे माध्यम से। और इसी चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।